बरेली के बहेड़ी के नामचीन स्कूल का टीचर छात्रों के साथ मिलकर करता है रैगिंग। दरअसल कक्षा सातवीं में पढ़ने वाला छात्र मोहम्मद मिनहाल शहर के एक अच्छे नामचीन स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। हर बार अच्छे नंबरों से पास भी होता आया है, फिर भी ACC कन्वेंट इंटर कॉलेज का एक सैंकी नामक टीचर ने छात्र पर ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाया और छात्र को इतना डराया धमकाया गया कि छात्र डिप्रेशन का शिकार हो गया। छात्र डिप्रेशन के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधक से शिकायत भी की, परंतु परिजनों की कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती कराया है तथा पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा कायम कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने तहरीर लेकर जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। पिछले साल कोचिंग के लिए जाता था जी। फिर इसके डैडी वहाँ पैसे मतलब तय कर कर रहा है 500 रुपये, लेकिन ये जो थे उस बच्चे से 600 रुपये लेते थे। अच्छा। मतलब बच्चे ने घर इस चीज़ को नहीं बताया। अच्छा। तो वो बच्चा क्या वो अपनी पॉकेट मनी से मतलब देता होगा, मतलब घर से हमसे नहीं कहा उसने। कौन से स्कूल का ये मामला है पूरा? ये ACC कॉन्वेंट का। आपका बच्चा कौन से क्लास में है? 7th क्लास में। अब क्या हाल है आपके बच्चे का? ये अब तो उस बच्चे का ये हाल है, उसके दिमाग पे इतना प्रेशर डाला है, इतना टॉर्चर किया है कि वो हमें पहचान तक नहीं रहा। कब से ये कर रहे हैं ये लोग? वैसे तो अब ये हाफरली में ज़्यादा उसका मतलब हमसे पहले से कहता था, मतलब दूसरे स्कूल के बच्चे जो थे उन लोगों से रैगिंग कराते थे शैंक के साथ। इस साल वो गया नहीं कोचिंग के लिए, इसलिए उससे रैगिंग कराएंगे बच्चों से कि तू वहाँ पर ट्यूशन के लिए जा, कोचिंग के लिए जा, लेकिन इसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊँगा। और एक जुनैद है। ये आपके बच्चे क्लास में ही है? हाँ, क्लास में ही है ये। हाफरली के टाइम एग्ज़ाम हो रहे थे तो इन दोनों बच्चों ने इससे पूछा, इसने बताने से इनकार कर दिया। तो टीचरों से जब शिकायत की तो टीचरों ने उल्टा इसको ही पनिश करके